शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करते करते यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इधर कहाँ पे? ओ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास से अब वापस यून आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दरिया के किनारे रिवर पर, और वहाँ पर जाकर कुछ गली दिखाओ। हाँ जी, ये गली है। इन गलियों से गुजर कर जो है ना हमने जाना है। तो साफ सुथरी, बड़ा सुकून माहौल, मतलब हाँ जी सुकून माहौल है, इतना सुकून माहौल है कि हम आए और रेस्ट नहीं किया, जस्ट खाना खाया और उसके बाद हम कह रहे हैं नहीं चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने कल हमारी वापसी है, कल वापसी है, टाइम शॉर्ट है, हम जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्सप्लोर भी करें और वीडियोस भी बना लें, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनानी थी। सो ये इससे अच्छी लोकेशन तो कोई भी नहीं मिल सकती। और ये इधर की खास बात यहाँ पे ये है कि आपको ना जब ये चीजें आप देखते हैं ना, पहाड़ दरिया, आपका जो ईमान है वो लगता है मजीद मजबूत होता है कि यार इतने बड़े बड़े पहाड़ जिसने बनाए हैं इतना कुछ, तो वो हमारी दुआएं क्या है या हमारे मसले क्या है? कुछ भी नहीं। पहले भी अल्लाह ताला पे मुझे बहुत यकीन था, और आप मेरी वीडियो देखी होंगी, मैंने सारी वीडियो यकीन पर बनाई है, लोग सुनकर यकीन करते हैं, लेकिन ये चीजें देख कर कहते हैं ना कि आप दुनिया घूमे, क्योंकि अकलमंदों के लिए निशानियां हैं कुरान पाक में, वो इसीलिए है कि आपका मजीद ईमान जो है वो पुख्ता होता है अल्लाह ताला पर, कि अल्लाह ताला इतना कुछ बना सकता है तो आपके मसले कोई मसले नहीं है, आपकी दुआएं तो फिर अल्लाह जब चाहे आपके हालात बदल दे। तो ये चीजें मुझे रियलाइज हुई, और आप लोगों से भी ये कहूंगी जब तक अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया हो तो आप जरूर इसके एरिया एक्सप्लोर करें, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला से जो ना कहते हैं ना अल्लाह मिल जाना, तो आपको मिल जाएगा अल्लाह। और अब ये देखिए आप, हाँ जी रिव्यू चेक करें, कितने बड़े पहाड़ है ना। हाँ जी, और ये आप देखें कि ये रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। हाँ जी, इमेजिन करें जब क्यामत बरपा होगी तो रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। कुरान पाक में जिक्र है कि ये रुई के गालों की तरह उड़ेंगे उड़ेंगे, और अगर ये इतने मजबूत और इतने वजनी होने के बावजूद इतनी आसानी से रुई, आपका पता है रुई क्या वेट है, क्या वेट है, ठीक है कुछ भी नहीं, तो हम क्या है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे और लेकिन फिर हमें दोबारा से उठाएगा, दोबारा से जिंदा करेगा। तो ये बातें हैं, इंशाल्लाह आगे रिवर पे जब जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह वहां पे कंटिन्यू करते हैं। चले जी, ये है टमाटर, वैसे कल मैं, हाँ कल मोबाइल हाथ में नहीं था, ये देखे टमाटर, ये है टमाटर, और ये है जी रस्ते में हमारे चलते चलते ये जमीन आ गई थी जहाँ पे इन्होंने टमाटर जो है ना वो उगाए हैं। तो ये भी अभी यहाँ पे चल रहा है मेरे ख्याल से, हल वगैरह जो भी होता है। क्या कर रहे हो आप, टमाटर कच्चे हैं? हाँ सही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, साफ पानी की वजह से जी, साफ पानी ताकत नहीं है जी, साइज में भी बहुत अच्छा है। ये है जी पूरा व्यू, ओवरऑल चारों तरफ आपको पहाड़ नजर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, ये गंदम की खुशी है और ये दरिया है जहाँ हम जा रहे हैं, बहुत खतरनाक रास्ता है, छोटा सा है, एहतियात से चलना। अच्छा जी, ये है जी दरिया काबुल, और ये बहुत बड़ा दरिया है, और तकरीबन ये 50 फीट जो है इसकी गहराई है, 50 फीट से ज्यादा गहराई है, 50 से तकरीबन 100 फीट, बड़ा दरिया है दरिया काबुल। काबुल हम बिल्कुल दरिया काबुल के पास आ चुके हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये तकरीबन जैसे कि आपको बता ही चुके हैं बल्कि इसकी गहराई। अच्छा, अब ये यहाँ से गुजरने का रास्ते चेक करें आप, अब यहाँ से गुजर के हमने जाना है, आप आ जाएं मेरे पीछे पीछे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से और बस इधर से गुजर रहे हैं फिलहाल, जो है ना मुश्किल, काफी मुश्किल काम है सही जिंदगी की ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत दो दिन थे हमारे पास, लेकिन ये सारी जिंदगी इंशाल्लाह याद रहेंगे, बेहतरीन दिन थे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सोचने को भी मिला। अब आप यहाँ पे नहर, इसका ना दरिया का प्रेशर चेक करें आगे, असल में ना ये कैमरे के अंदर वो चीजें अभी आपको दिखा नहीं सकते जो एक आपको रियल आई से देखने वाली है ना, वो चीजें इसमें कैप्चर नहीं हो सकती, और बहुत खूबसूरत मंजर है इर्द गिर्द हर तरफ आपके, ऐसी ब्यूटी है कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप आंखें बंद करें, और आगे हमारी मुलाकात एक अजीम शख्सियत से होने लगी है। हाँ जी देखें, ये स्टाइल इसका कम से कम भी ये रिकॉर्ड करवा चुका है मुझसे, तकरीबन 15 वीडियोस बनवा चुका है। अरे झूठा बोले एक ही दफा, इधर कहाँ पे? ओ भाई इधर बहुत जल्दी है आपको दुनिया से। चलो जी, बहन भाइयों का जो है ना सीन ऑन हो गया लड़ाई के झगड़े का, ठीक है इधर आ जाओ। अच्छा तो देखिए हम पहुंच चुके हैं फिलहाल यहाँ पे, ये वाला जो है ना दरिया काबुल और का संगम, हाँ जी ये साफ सुथरा ठीक हो गया।
अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ पाए पाँव उनके मुँह को बैठे जा सकते हैं। हाँ जी तो यहाँ पे जो है ना दो दरिया मिल रहे हैं, ये जो ये वाला दरिया है ना ये चित्राल से आ रहा है, ठीक है, और जो ये आपको पहले दिखाया था जिसका आपको थोड़ा सा डल नजर आ रहा होगा पानी का कलर, दरिया काबुल। हाँ तो ये दोनों मिल रहे हैं दरिया यहाँ पे, वो आगे आप पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे बह रही है। आप कह रही है कि मैंने क्या करना है, शॉर्ट वीडियो की इनको पड़ी हुई है हर जगह इन्होंने क्या ठीक है। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे कौन आया बंदा, नीचे कर लो थोड़ा नीचे कर लो इसको, सूरज पड़ रहा है सामने से, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, फायदा नहीं है। आजे नीचे आजे। आते हैं नीचे आते हैं जरा एक मिनट, आप पहले पकड़ लो कोई एक शिकार। और वो मछली आपको ले जाएगी खींच के इसके साथ ही, बड़ी बड़ी मछली होती है, वेल होती है इसमें, खींच के ले जाएगी आपको अपने साथ ही। अरे यार आखिरी इतनी आप शिकारन रहती नहीं। चलो बस करो इधर अब। हाँ जी आप इनको पड़ गई है कि दोबारा से पोर्ट्रेट में आ जाओ, मेरे वीडियो बना दो दूसरी शॉर्ट वीडियो। आप लोग देख सकते हैं कि फातिमा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करते करते यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो क्या हुआ? जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है भाई, काम ऐसे करते हैं, तीन का काम ऐसे ही होता है मुश्किलात में। थोड़ा सा आगे भी चली जाओ ना, पागल हुए नहीं, अकल है मुझे। आपकी राहें नहीं मैं इतनी आसान करूंगी इंशाल्लाह, आपकी राहें मैं इतनी जल्दी आसान नहीं करूंगी, अल्लाह मुझे लंबी जिंदगी दे। कैसा लग रहा है पानी का? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले आपको खौफ होता है लेकिन फिर अल्लाह अकबर कह के कर ले काम। अब मैंने नहीं आपको पकड़ के इधर बुलवाना। हाँ तो मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी आ जाऊंगी। हाँ आजो, आपको फर्ज है मुझे ये लाना। आजो आजो आजो, नहीं नहीं आजो आजो, इतराज ना करो। नहीं 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 नहीं, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करते, चाहे शोहर है कोई भी है। क्या बात, यहाँ पर हाओ है? हाँ जी हाँ जी आजो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हाँ जी, कैसा लगा फिर मुझे? बहुत अच्छा। मैंने वो जहाँ बहाव तेज है वहाँ जाना है कह रही है, मैंने जहाँ पे वो बहाव तेज है ना जहाँ पे वो दो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जाना है। हाँ तो मेरे जाना है ना, चले मगरिब होने वाली है। हाँ ये भी है वैसे, तो आज आप दोबारा कब लेकर आओगे? दोबारा इंशाल्लाह, दोबारा आप लोग बताएं कि दोबारा हम कब आए इस जगह पे। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप हमें कोई रिकमेंड करें जगह की कहाँ जाना चाहिए, इंशाल्लाह छह माह बाद हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे। हाँ छह माह बाद, देखा टाइम अपना बता रहे हैं यार। असल में आपको पता है जो लोग जॉब करते हैं उनको इतनी आसानी से छुट्टियां नहीं मिलती, आपके शूज वो पड़े हुए। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? आपके शूज पहनने लगा हूँ दरिया में। हाँ पहले मैं जूती पहनी थी। हैं? जूता पहना हुआ मैंने। अच्छा चले फिर वहाँ पर एक दफा लगाए थकर हो जाए फिर अल्लाह अकबर। नहीं आप यहाँ पे स्विमिंग करके पहुँच जाओ आगे, पहले खुद ही स्विमिंग नहीं हो सकती, बहुत तेज बहाव है, बह जाएंगे। अच्छा तो चलें फिर, अब चलते हैं, हमारा तो मगरिब होने वाली है। कल हमारी इंशाल्लाह यहाँ से रवानगी है, इंशाल्लाह ऐसे कह रहा है, ऐसे बहुत दिल कर रहा है आपका। और ये बहुत उदास हो रही है, ठीक है, क्या उदासी वाली क्या बात है इसमें? उदासी है ना, आपको नहीं पता मैं ये सुकून ढूंढती थी, मेरी रूह पुरानी है, मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है, पुरानी जगह कम वसाइल बस बहुत है, मतलब वसाइल अल्लाह ताला बढ़ाना चाहे तो बढ़ जाएगा। आपको व्यू शाम के टाइम ज्यादा अच्छा लगता है या सुबह? सुबह के टाइम, सुबह के टाइम, शाम दोनों दोपहर में नहीं। ठीक है अभी देखिए शाम के वक्त का व्यू है यहाँ पे, ये देखिए। चलो पानी में पाँव धो लेते हैं और क्या, अब क्या इरादे हैं आपके? मैं ये पानी में पाँव धो लेते हैं थोड़ी देर। आजा पानी में कभी पाँव नहीं भिगोए आपने? नहीं नहीं, मैं कह रही पानी में धो लेते हैं, नहीं छींटे पड़ेंगे मेरे ऊपर, नमाज पढ़नी है। ना ना करो, आज पानी में पाओ, पानी बहुत ठंडा है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वुजू करना है यहाँ पर, वुजू करना है। कैसे करूँ? होटल में पानी नहीं है, हैं? होटल में पानी खत्म हो गया, ठंडा पानी है, ताजा पानी है, मतलब फ्रेश पानी कभी नहीं किया, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, क्या करूँ मैं, कोई है भी नहीं आस पास ऐसे। नहीं हमारे पास बैग नहीं है, एक तो आपका छोटा भाई जो आपके साथ आता है ना
तो वो आपको ना अपना पता नहीं क्या समझ लेता है कि कहता है कि बस मेरे चीजें वो हम संभाले, हर चीज हमसे पूछ रहे हैं, छोटे भाइयों को हम साथ में लेकर आए। अब तो हमारा इरादा है कि अब यहाँ से जाएंगे, फिर खाना खाना है। हाँ जी, खाना खा के पैकिंग करनी है। ठीक है, पैकिंग कर रही, पैकिंग इनके पकौड़े उन्होंने कर दिया क्योंकि कह रही थी ज्यादा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करें। बिल्कुल ऐसी बात है, इसकी मैं अच्छी वीडियो करके आई। तो यार बड़ा ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक सुकून और एक नेचुरल जो ब्यूटी है ना, इंसान जब वो देखता है तो उसको एक सुकून उसके अंदर तक उतरता है, ऐसे ही है ना, जो हमारी जो वैसे जिंदगी है नॉर्मल आम रूटीन में बहुत टफ जिंदगी है और मसले बहुत है, शहरदारी के मसले मसाइल बहुत है। आपको मैं कशरा दूंगी, बस अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में रखिए। जब आपकी जिंदगी फैसले अपने हाथ में होते हैं ना, अल्लाह के बाद अपने हाथ में रखते हैं, आपकी जिंदगी सुकून आ जाती है। सो ये चीज आपके लिए मशवरा है। टॉप पे आ गए थे, टॉप पे आने का मकसद यही था कि आप लोगों को ओवरऑल जो है ना एक व्यू दे दे। ठीक है, व्यू दिखा दे। नहीं नहीं नहीं, अम्मा नहीं, अच्छा नहीं लगता जो है ना इस तरह यहाँ पे खड़े होकर, क्या आपको जो है ना नजर आता है, क्या फील आती है? फील तो ऐसे लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और हसीन मंजर है। ठीक है, बस वैसे बता सकते हैं आपको कि माशाल्लाह बहुत हसीन है। ठीक है, और आप लोग, मैं तो मशवरा दूंगा कि दराज से पहले ये इलाका है अयूम, यहाँ पे लाजमी विजिट करें, क्योंकि ये उस तरह से लोगों ने इसके बारे में वीडियोस नहीं रिकॉर्ड की हैं या उस हिसाब से बताया नहीं हुआ अभी तक, लेकिन इस जगह को एक्सप्लोर करना मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। ठीक है, इस जगह पर लाजमी विजिट कीजिएगा जब कभी आपका चक्कर लगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं फिर घूमते और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। वापिस आ रही है क्योंकि मामा कहेंगे मगरिब से पहले पहले घर जाना है, और बाकी जब मगरिब हो जाए तो बस फिर निकले आ रही है, तो हम जल्दी जल्दी जाना है कि मगरिब हो गई है, अब मगरिब के बाद नॉट अलाउड। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते सेल्स सुबह उठेंगे, अब लाहौर वापस आएंगे, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन आना है, चला करें। हाँ जी हाँ जी, देखिए क्योंकि बड़ी फिक्र है। चले जी इंशाल्लाह वहाँ होटल में जाके अभी देखते हैं, फिर इंशाल्लाह बात होती है। ये जाते हुए लास्ट मनाजिर आपको दिखा देते हैं। हाँ जी, वो ऊपर काम वो क्रेन, वो देखिए ऊपर क्रेन काम कर रही है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, वो काम कर रही है यहाँ पे, तक इतना नीचे गिर रही है। ठीक है, और चलो ठीक है, खतरनाक रास्ता आ गया तो ये क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलो क्या हुआ, बंद कर दूँ लोग, चलो पहुंचने वाले हैं बस होटल के करीब है, रस्ते में चल चल के जरा प्यास लगी है, आगे पंप भी अल्लाह ताला ने भेज दिया। ठीक है, अभी हाँ यहाँ से इंशाल्लाह पानी पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये पानी साफ है, पीने वाला है, पीते हैं पानी ये। हाँ ठीक है, पहले आप लोग पियो राम नेकी कमा रहे हैं साहब, ये नेकी कमा रहे हैं, बड़ा मजेदार पीने भी जफुल, बहुत मजेदार जायका है। ये जी, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना आपका? नहीं नहीं, पहले। अच्छा, इस पंप का? नहीं इस पंप का नहीं, शायद मैं नहीं, अपने इस पंप का, इस पंप का फर्स्ट टाइम पी रहे। अच्छा, आज हमारा लास्ट डे है फाइनली यहाँ पर, और अभी फिलहाल यहाँ से तकरीबन एक घंटे के बाद हमने निकलना है वापस लाहौर के लिए। तो पहले यहाँ से जाएंगे हम अपर दीर से फिर लाहौर के लिए गाड़ी निकलती है, तो वहां पर फिर इंशाल्लाह पहुंचकर अपर दीर, वहां से हम फाइनली लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये सुबह के टाइम का मंजर है यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत जो है ना पुरसकून एरिया है, किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, सारी आवाजें जो है ना यहाँ पे नेचुरल है, परिंदों की आवाजें हैं, पानी के गुजरने की आवाज है दरिया में। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जाने से पहले हमने सोचा कि यहाँ का पानी जो है ना वो साथ ट्रेवल करते हुए लेके जाए, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत मीठा है। और तकरीबन हैंडपम्प के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ। ठीक है, ये यहाँ सामने है, तो असल में बात ये थी कि यहाँ पे अब आपको पता है हैंडपम्प से जब आपने पानी भरना है तो आपको एटलीस्ट दो लोगों की जरूरत होती है, एक बंदा फिर हैंड से उसको पंप करेगा और दूसरा फिर बोतल पकड़ के उसको भरेगा। तो मैं अकेला था तो मैंने ये छोटे भाई को कहा कि यहाँ के लोग, मैंने कहा ना कि बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत हेल्पिंग हैं। ठीक है, तो ये मैं छोटा सा बच्चा यहाँ पे खेल रहा था तो मैंने इसको कहा कि यार मुझे ना आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, ये बच्चा छोटा था, आपका क्या नाम है?
मोहम्मद खुबैब नाम है माशाल्लाह इनका। तो इनको मैंने बुलाया, एक मैंने एक आवाज इनसे कहा कि मुझे ना आपकी हेल्प की जरूरत है, तो कहते हैं हाँ जी हाँ जी चलेंगे चलेंगे। तो अब यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। ये हैंडपम्प है इधर, कल आपको पता है यहाँ पे हमने पानी पिया था। तो अब यहाँ से मैं हैंडपम्प से पुश करूँगा, छोटे बच्चे को देते हैं बोतल, ताकि वो पकड़ के यहाँ पे खड़ा हो, और फिर हम पानी भर के इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। यार ये भाई हमें मिल गए थे, ये भी आगे माशाल्लाह इन्होंने भी हमारी बड़ी हेल्प की है, ये पंप कर रहे हैं यहाँ से। हम बच्चे बच्चे मुझे बोतल पकड़ नहीं दे रहे, क्या हम खुद आपको भर के देंगे पानी। तो ये इन लोगों का प्यार है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। आप लोग लाजमी इस जगह पे आइएगा, बार बार आपको हम यही रिकमेंड करेंगे। तो बस पानी हमने भर लिया, अब पानी यहाँ से पियेंगे थोड़ा सा और फिर चलेंगे लाहौर। अच्छा ये यहाँ हमारा लास्ट डे है, हम लोग अब जा रहे हैं लाहौर वापस, और दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा ऐसी जगह को छोड़ के जाने का। बहरहाल जाना भी जरूरी है घर, फिर आज सबसे ज्यादा खुश है घर जाने के लिए, बहुत एक्साइटेड है। बाकी कोई भी नहीं जाना चाह रहा। क्या रिव्यू आपके? रिव्यू बस यही है कि काफी अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे, दो से तीन दिन थे हमारे पास यहाँ पे, तो बहुत मजा आया यहाँ पे। और क्या कहूँ, वो कुछ नहीं कहना चाह रहे एक्साइटमेंट में कि घर जा रहे हैं हम। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने की जिंदगी रखी, तो इंशाल्लाह दोबारा से हम आएंगे, और ये राजा नजारे रिव्यू अल्लाह ताला की तरफ से बनाए गए हैं, उनको दोबारा से इंशाल्लाह देखेंगे। तो उम्मीद है फराज में दोबारा से अब हमें लेकर आएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर चित्राल को बाय बाय करते हैं, अल्लाह हाफिज करते हैं, और फिर इंशाल्लाह लाहौर में जो है मुलाकात हो। चला।